हाथरस गैंगरेप मामले को लेकर बुधवार को शहर में आक्रोश व्याप्त रहा। नगर कांग्रेस कमेटी संगठन ने इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किए। चूड़ी पहनो, मांग मरो, पुलिस को आगे करता है, पुलिस को आगे करता है, मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। वाहन रैली निकाली, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किया, जय स्तंभ चौक पर मृतिका को श्रद्धांजलि दी। लोगों की मांग है कि दोषियों को बचाने की बजाय यूपी सरकार उन्हें सख्त सजा दिलाए। राहुल गांधी जी को हाथरस जाने से रोकने के संबंध में कांग्रेस पार्टी के द्वारा आज यहां पे कोटा में योगी आदित्यनाथ जी का पुतला दहन करने का इन लोगों का कार्यक्रम था, जिसको समय पर पहुंचकर रोका गया है। लाइन आर्डर की स्थिति नहीं बनी। आज हम सभी कांग्रेसियों ने मिलकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुंडा और जो राज्य पर भारत देश में बैठा है गुंडा नरेंद्र मोदी, उनके खिलाफ में योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन किए हैं। आज यूपी में जो बहन के संग गैंग रेप हुआ वो बहुत शर्मसार करने वाला घटना था, जिसे पूरा देश देख रहा है। मैं आज पूरे भारत में एक आतंक का माहौल फैला हुआ है, सिर्फ इसका कारण नरेंद्र मोदी और योगी नाथ है। देवेंद्र कश्यप, नगर कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष, कोटा। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी का पुतला दहन किया गया, जो आज हमारे पूर्व कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी उन पीड़ितों के घर जा रहे थे, उनसे मिलने, सहानुभूतिपूर्वक बात करने के लिए, उनके दुख सुख को बांटने के लिए योगी ने अपने पुलिस के द्वारा वहां पर बलपूर्वक उनको रोका गया और आदरणीय राहुल गांधी के साथ उन्हें धक्का मुक्की किया गया, उनके गिराया गया, जिससे कि पूरे देश में इस बात के काफ़ी दुख है और इस बात का काफ़ी नाराजगी है। और योगी जी को उत्तर प्रदेश में अगर शासन करना है उनको, तो इस प्रकार की गुंडागर्दी, इस प्रकार की तानाशाही नहीं चलेगी। उनको जनता के सुख दुख को साथ में रख के काम करना पड़ेगा और जो वहाँ महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उसमें रोक लगानी होगी, नहीं तो कांग्रेस पार्टी उनकी उत्तर प्रदेश से ईट बजा देगी। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सुन ले, अगर ऐसे लोगों, ऐसे प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को अगर वो पनाह देंगे, इसका भी परिणाम आने वाले राज्यों में जहाँ जहाँ ऐसा भाजपा की सरकार है वहाँ पर कांग्रेसियों के द्वारा खुला विरोध और तीव्र विरोध किया जाएगा। कुलवंत सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष किसान कांग्रेस, बिलासपुर कोटा से रितेश गुप्ता, छत्तीसगढ़ विजन टीवी।